दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आप WhatsApp पे कोई स्टेटस लगाते हैं फोटो या वीडियो, तो उसकी जो पहले क्वालिटी रहती है स्टेटस पे लगने के बाद वो क्वालिटी नहीं रहती, वहाँ पे ऑटोमेटिक घट जाती है, वो फोटो या वीडियो क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है। आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी फोटो वीडियो को HD क्वालिटी में अपलोड करेंगे विदाउट कोई एप्लीकेशन के, सिर्फ WhatsApp की एक सेटिंग आपको ऑन करनी होती है। तो जानने के लिए आपने क्या करना है, इस वीडियो को फुल वॉच करना है बिना स्किप किए हुए। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ऑल पे, ताकि आने वाली इसी प्रकार की टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, WhatsApp एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, जिसको भी अपने WhatsApp पे HD फोटो या फिर वीडियो स्टेटस पे लगाने हैं उसको WhatsApp जरूर अपडेट करके रखना है, तभी उसको फीचर दिखाई देगा अपने WhatsApp एप्लीकेशन पे, वरना नहीं दिखाई देगा। WhatsApp एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ध्यान से देख लें। WhatsApp बिजनेस में भी सेम सेटिंग रहेगी, WhatsApp पे भी सेम सेटिंग रहेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों आपको करना है जो अपनी फ़ोटो या फिर वीडियो को अपलोड, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टोरेज एंड डाटा वाले ऑप्शन पे चले जाना है। आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से देख लें। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं फिर कि हमारे कोई सेटिंग देखने को नहीं मिल रही है या फिर वीडियो फेक है, तो आपको बताना चाहूँगा एक एक स्टेप फॉलो करके चलें और ध्यान से देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पर स्टोरेज एंड डाटा जो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं मीडिया अपलोड क्वालिटी। ध्यान से देख लें, आपको अलग से बीच में एक सेटिंग देखने को मिल रही होगी मीडिया अपलोड क्वालिटी। तो इसको क्या करना है, इस तरह से इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़िलहाल के लिए स्टैंडर्ड क्वालिटी पे सिलेक्ट रहेगा, जो भी आपकी फ़ोटो या फिर वीडियो अपलोड हो रही है स्टैंडर्ड क्वालिटी पे, यानी कि जो क्वालिटी है और उसमें जो है आपका जो डाटा है वो कम लगेगा और वीडियो जो है फ़ोटो तुरंत अपलोड हो जाएगी, तो वो है दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख HD क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसमें अपलोड आपका थोड़ा स्लो होगा, बट दोस्तों HD क्वालिटी में होगा, उसमें हो सकता है टाइम लग जाए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे HD क्वालिटी में इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ से सेव कर लेना है। अब दोस्तों जैसे यहाँ से आपने मीडिया अपलोड क्वालिटी पे यहाँ से HD सिलेक्ट कर लिया है, सेव कर लिया है, तो इसके बाद अब आप जो भी अपनी फोटो या फिर वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाएंगे उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं घटेगी। जैसी क्वालिटी तो आपकी फोटो की थी वैसी ही रहेगी, मैं ये नहीं कहूंगा कि बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं, जो क्वालिटी आपकी थी सेम वही क्वालिटी रहेगी, फोटो को भी वीडियो की भी बिल्कुल HD के HD ही दिखेंगे दोस्तों, क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं घटेगी। तो आज के इस वीडियो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली कोई न्यू WhatsApp टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लगे। थैंक यू सो मच।